मैम कितना स्कोर किया आपने? पेपर नहीं था। पेपर नहीं था आपका? बहन कितना स्कोर किया आपने? दीदी भैया कितना स्कोर किया? स्कोर 85। बहन कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? 61। जिनके आ रहे अच्छे नंबर आ रहे, जिनके नहीं आ रहे बहुत कम आ रहे। पेपर था क्या? कितना स्कोर? नहीं मेरा नहीं। बहन कितना स्कोर किया? 133। अच्छा कैसा था पेपर आपका? पेपर मुझे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। कौन सी कैटेगरी से? जनरल है। कहाँ से हो? अभी तो करेंटली इंदौर से ही हूँ। अच्छा इंदौर से। होम टाउन का है? होम टाउन विदिशा। कैसा था पेपर पूरा बताइए एक्सपीरियंस? मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। अभी कुछ नए सब्जेक्ट जुड़ गए थे ना, लाइक मैनेजमेंट वगैरह। हाँ तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आई मुझे। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन कर पाया? क्वेश्चन ज्यादा याद नहीं है। अच्छा, मैथ्स अच्छी आई थी, इंग्लिश बहुत अच्छी आई थी, मैथ्स अच्छी आई थी। जी के पार्ट थोड़ा सा टफ आया था। अच्छा, जी के थोड़ा। हाँ। जी के में क्या क्या पूछा गया? जी के में अब मुझे जितना ध्यान है एमपी से थोड़ा कम ही पूछा गया है। अच्छा, हाँ जो जनरल अवेयरनेस का ज्यादा पूछा गया, जो करंट पे चल रहा है ना उसका थोड़ा सा मुझे लगा। करंट में अब मुझे क्वेश्चन तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। और इसमें अपने इंग्लिश इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी। सिनोनिम सेंटोनिम सिनोनिम एक एक नंबर सब पूछा गया सब एक। हाँ नहीं एंटोनिम सिनोनिम लाइक सेट फाइव क्वेश्चन आए थे दोनों के। वो काफ़ी अच्छा था पेपर, इंग्लिश का बहुत सही था। अच्छा इंग्लिश। और इसमें हिंदी सर अच्छी होगी? हिंदी हाँ हिंदी भी ईजी थी। हिंदी में क्या क्या पूछा गया? हिंदी में भी ये एंटोनिम सिनोनिम्स आए थे, मुहावरे काफ़ी पूछे गए हिंदी में, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो भी काफ़ी आया। अच्छा, था हाँ हिंदी में आया था। अच्छा, मुहावरे का काफ़ी टाइम अच्छा, आया था, चार पांच क्वेश्चन आए थे मुहावरे से। ठीक है थैंक यू। आपने कितना स्कोर किया? 101। कैसा पेपर था आज का? अच्छा था सर। कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी से। कहाँ से आप? बड़वा से। बड़वा से कौन से जिले से? खरगोन जिले। अच्छा खरगोन जिले से। तो हिंदी कैसी पूछी गई? हिंदी अच्छी थी सर। आपको सबसे टफ ज्यादा क्वेश्चन कौन सा लगा? सर मैथ्स। मैथ्स मैथ्स में क्या कौन से क्वेश्चन टफ आया? मैथ्स में सर समय दूरी वाले पैटर्न चेंज हुआ है इसका? नहीं सर नहीं हुआ, पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ थोड़ा बहुत नहीं। और इंग्लिश? इंग्लिश भी ठीक था। अच्छा ठीक है। आपके टेस्ट पेपर में कितने नंबर आते थे? सर टेस्ट पेपर नहीं लगाया। अच्छा नहीं लगाया, लगाते तो फायदा होता आपको। हाँ सर। और बताइए किस प्रकार से क्वेश्चन आप बताइए अपने स्तर पर। मतलब सर आपने स्तर पर बताइए किस प्रकार से क्वेश्चन आए साइंस? हाँ सर, मतलब कि हिंदी में समास पूछे, अलंकार पूछे हैं, छंद वगैरह ऐसा नहीं आए हैं, और वर्तनी से आए हैं। अच्छा वर्तनी। और अपने इंग्लिश में इडियम्स वगैरह आए हैं। मैनेजमेंट में भी मतलब कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन। हर टॉपिक से। और इससे अपने बात करें तो साइंस? साइंस से सर इजी क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में भी मतलब कि इजी। आगामी स्कूलों का आप किस प्रकार तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? यस तैयारी के लिए बोल दीजिए किस प्रकार तैयारी कर। वही सर टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है। टेस्ट सीरीज और रिवीजन वगैरह। हाँ सर। आपने जब से एग्जाम हुई जो तीन दिन में आपने क्या किया? तीन दिन स्ट्रेटजी क्या रही आपकी? सर रिवीजन थोड़ा बहुत किया था। आपको लाइव एनएस देखा होगा आपने? हाँ सर। तो क्या फायदा मिला उससे आपको? सर उसका टॉपिक पता चला। अच्छा टॉपिक पता चल गया। हाँ। तो उसको आपने कवर कर लिया। हाँ सर। तो उससे कोई फायदा मिला आपको इस एग्जाम में? हाँ सर, टॉपिक आए हैं वो जो पता। अच्छा, जो जो बताया। हाँ, सबके मतलब सब चैनल से आपने एनालिसिस देखा होगा। हाँ सर, आपको फायदा मिल रहा। हाँ थैंक यू। और एक तो भैया और कुछ आ जाए तो अच्छा है, पूछ लेते हैं। वैसे पेपर आज का थोड़ा सा सरल लग रहा है, पर कुछ क्वेश्चन थे जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। बस एक 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 दो मिनट और, बस एक और आ जाए, बस एक दो बना वो आ रहे मैम आ रहे। भैया पेपर था आपका? नहीं था। आ रहे
भैया पेपर था, भैया पेपर था आपका? नहीं नहीं पेपर नहीं था, है ना, ख़त्म हो गया ना लास्ट टाइम पाइन। तो देखा जाए तो आज का पेपर भी थोड़ा सा हार्ड लेवल का था, मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे गए हैं और मैथमेटिक्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।